नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले ड्राइवर विक्रम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग को लेकर मुंब्रा शहर के कुछ जिम्मेदार लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन देर रात पहुंचे थे। विक्रम सिंह पर आरोप है कि उसने नबी और कलमे पर अपशब्द टिप्पणी की है। दरअसल कई ड्राइवर मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। ग्रुप का नाम रॉयल एक्सप्रेस बिजनेस है और इसी ग्रुप में सभी ड्राइवर भाड़ों का लेन देन करते हैं। विक्रम सिंह पर आरोप है कि उसने इसी ग्रुप में नबी और कलमे पर अपशब्द बातें कही हैं। शिकायत दर्ज करने की मांग को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे लोग सीनियर पीआई से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन देर रात होने की वजह से सीनियर पीआई से मुलाकात नहीं हो पाई और शिकायत भी दर्ज नहीं हो पाई थी। तो लोगों ने बताया कि आज जुमा की नमाज के बाद सभी लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और सीनियर पीआई से मुलाकात करके जिस शख्स पर आरोप लग रहा है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करेंगे। हमारे नबी के उसमें गुस्ताखी किया है, विक्रम नाम का बंदा है। खाली ग्रुप में हम लोग ऐसा रॉयल नाम का ग्रुप है, हम लोग का 4-5 साल से चला रहे, तो हम लोग भाड़ा लेते और देते। तो उसका मैसेज आया डायरेक्ट, क्या मतलब हमारे नबी के इसमें गुस्ताखी किया उसने। तो वो मैसेज को देख के आपने क्या कदम उठाए? मैसेज पहले तो हम लोग ने डिलीट किए, इसलिए डिलीट किए कि आगे फॉरवर्ड ना हो और आगे पूरा मतलब माहौल ना खराब हो। तो अभी मुंब्रा चौकी आप आए थे तो इधर क्या आश्वासन मिला? आश्वासन सर ने बोले क्या सक्सेसफुल कार्रवाई करेंगे। वसीम भाई, शहर के जिम्मेदारों में से एक हमारे हाजी साजिद अंसारी साहब ने फोन किए और बताया कि ऐसा मामला हुआ है। जब ये बात हम लोग को मालूम पड़ी तो हम लोग अपने ज़ाती तौर पर पुलिस स्टेशन में जमा होना शुरू हुआ। यहाँ पे हाजी रिहान साहब भी मौजूद थे, जावेद भाई मौजूद थे साथ में। सब लोगों ने जब इस बात की नौयत को देखे कि ये बहुत ज़्यादा संगीन मामला है। देखिए, एक के बाद एक जो इंसिडेंट्स हो रहे, खास करके मुंब्रा के अंदर जब ऐसी बात आती है तो लोग जो है वो इसको एकदम सीरियस लेने लगते हैं। और कल जुमा का दिन, जुमा का दिन होते हुए अब क्या होगा कि ये बात जो है वो आग की तरह फैलेगी और लोग जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। तो इसकी नाजुकी को देखते हुए हम लोग जो है फौरन पुलिस स्टेशन आए, साजिद भाई, जावेद भाई, रेहान भाई और बाकी सब लोग, जजील भाई हमारा और जितने भी लोग थे यहाँ पर मौजूद है, मैं सबके नाम तो नहीं बता सकता लेकिन सब यहाँ पर आए फौरन और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि यहाँ पर फौरी तौर पर उस जो जिस भी आदमी से गलती हुई है उसके खिलाफ केस दाखिल हो। कुछ टेक्निकल अड़चने हैं जैसी बताई जा रही है, यहाँ पर जो है वो इंटीमेशन लिया गया है या फिर उनका स्टेटमेंट लिया गया ऐसा बोल करके, लेकिन हम सब जो है इस वक्त यहाँ पर इस बात के लिए बजीद है कि उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई हो जाए ताकि शहर का जो अमन है वो बरकरार रहे। लेकिन हमको सुबह का टाइम दिया गया है, अगर सुबह मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई नहीं हुई तो जुमा बाद हम सबका इरादा है कि हम पीआई साहब के पास आएंगे, हो सकता है कि तादाद ज्यादा बढ़ जाए और यहाँ आकर के उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। हमारी सर से बात हुई, जैसे सेक्शन 153 है, 295, 298 और जो है उन्होंने बताया कि डिफामेशन की भी जो है वो सेक्शन लगती है, तो उनको हमने और कुछ धाराएं बताया तो जो उनके जुरिडिक्शन में नहीं बैठ रहा क्योंकि वो 2-स्टार ऑफिसर है, तो उन्होंने हमको कहा कि हमारे सीनियर साहब आ जाएंगे तो हम सीनियर साहब से परमिशन लेकर इंशाल्लाह इसके ऊपर बेहतर कार्रवाई करके आपको बताएंगे। आज तकरीबन शाम के वक्त में ये इत्तला मिली कि हमारे हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला आया है, उसके ही मुताबिक हम यहाँ पर सब मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए और हमारी ये सबसे रिक्वेस्ट, हमारी सबकी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि इनके ऊपर जिसने भी ऐसी गुस्ताखी करी है गुस्ताखी रसूल पर सख्त से सख्त पुलिस मुंब्रा पुलिस कार्रवाई करे। जिनके सामने ये वाकया पेश आया या जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हुए हुआ उन्होंने अपना स्टेटमेंट पूरी तरीके से लिखा दिया है, दर्ज करा दिया है। अब पुलिस स्टेशन से हमारी ये दरख्वास्त है कि उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस रजिस्टर किया जाए और इस तरीके से ऐसा एक पूरी मुंब्रा कौसा की बल्कि पूरे हमारे देश की आवाम को ये मैसेज मिले कि इस तरीके से किसी भी शख्स ने अगर कोई बात करी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अगर कोई ऐसी बात करे तो इसका अंजाम ये हो सकता है। कानून एक तरफा नहीं है, कानून सबका है, सबके लिए है, सब धर्म संपन्न है, इसका सबूत देते हुए उस शख्स पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पहले तो ये बताओ, जावेद ने फोन करके मुझे बुलाया है, मेरे साथ में सब वसीम भाई लोग खड़े थे, तो हम लोग सब यहाँ चौकी में आए। चौकी में आने का जो अदनान भाई के जो ग्रुप है ओला का, वो ओला ग्रुप के अंदर जो है हमारे नबी की शान में जो है गुस्ताखी किया विक्रम नाम का जो है शख्स,
तो हम यहाँ चौकी पे आने पे भी मालूम पड़ा कि इनका जो स्टेटमेंट पूरा हो चुका है। सीनियर साहब नए होने की वजह से उनके हाथ में इतना पावर नहीं है, और जो हमारे को कलम चाहिए उसके ऊपर कि नॉन अवेलेबल, रियान भाई ने बोले नॉन अवेलेबल, तो हमको भी वही कलम चाहिए कि नॉन अवेलेबल होना चाहिए। आज कहाँ ना कहाँ मुमरा का माहौल या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने के चक्कर में कोई ना कोई लगा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अमन बरकरार यहाँ पे रहना चाहिए। कल जुम्मा के बाद इंशाल्लाह हम आएंगे और हमको जो हमारी मांग है एफआईआर की वो हमारे को पूरी होना चाहिए इंशाल्लाह।